जब प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल के स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर किया काम, सरकार के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, ये वही लोग हैं जब दूसरी वेव के दौरान कोरोना दिल्ली में जमकर कहर बरपा रहा था, तब अपनी जान जोखिम में डालकर ये लोगों को सांसें दे रहे थे। इसी खतरनाक दौर में कई ऐसे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी थे जो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए, जिनके लिए सरकार ने सहायता राशि की घोषणाएं भी की और शहीदों का दर्जा भी दिया, लेकिन आज तक कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को सहायता राशि तक नहीं मिल पाई। ऐसे ही राजकुमार अग्रवाल की पत्नी कई बार सरकार से मदद की गुहार लगा चुकी है, लेकिन आज तक न सरकार ने इनकी मदद की है और न ही सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनके बारे में सोचा है। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के सभी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर्स ने काली पट्टी बांध कर काम किया और अपना विरोध जताया। इसी कड़ी में जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में भी नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष टीकम यादव ने सभी ऑफिसर्स के साथ काली पट्टी बांध कर काम किया और अपना विरोध दर्ज कराया। आज हम काली पट्टी बांध के उन कोरोना योद्धा जो इस दुनिया में नहीं रहे, लोगों की सेवा करते हुए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और सरकार ने जो उनको 1 करोड़ मुआवजा देने की घोषणा की थी, उनके परिवारों को वो अभी तक नहीं मिला है, जिसमें दिल्ली प्रदेश के लोकनायक हॉस्पिटल के कई नर्सिंग अधिकारी शामिल हैं। तो आज सभी दिल्ली के सभी अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर सभी नर्सिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार उनके परिवारों को जो घोषित मुआवजा राशि है वो जल्दी से जल्दी देना सुनिश्चित करे। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें ना तो सहायता राशि मिल पाई है और ना ही किसी तरह की मदद। इसे शहीदों का सम्मान समझा जाए या फिर अपमान, आप खुद ही बताइए।